नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धू ऑटोमोटिव में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्विफ्ट डिजायर, जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी। मेरे पास का एक कमेंट आया था कि हमको स्विफ्ट डिजायर का स्विफ्ट का जो फर्स्ट जनरेशन थी इसकी, उसका रिव्यू चाहिए। तो मेरे पास ये खुद के पास ये जो गाड़ी है, ये स्विफ्ट डिजायर है फर्स्ट जनरेशन। असल में स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ बूट का फ़र्क है, बाकी कार सेम ही है। तो आज मैं आपको इसी का रिव्यू देने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट रिव्यू, कि अभी तक ये गाड़ी लगभग 180,000 के करीब चल चुकी है, और इतना चलने के बाद गाड़ी अभी कैसी है। हालांकि इसका इंजन अभी भी ओके कंडीशन में है, मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम इसी चीज़ का एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे, एक रिव्यू देखेंगे छोटा सा फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट का, कि अभी इतने सालों के बाद, ये 2010 मॉडल है और तकरीबन 8 साल के बाद गाड़ी अब ये कैसा परफॉर्म करती है और चलने में कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसी विषय पर आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में वही फीएट का 1.3 मल्टीजेट डीजल इंजन आता है। इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये डीजल इंजन कार है। इंजन में कोई भी किसी भी प्रकार की लीकेज वगैरह नहीं है। इंजन का अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है, सिर्फ रेगुलर सर्विस हो रही है इंजन की। और अभी यहाँ से अगर आप इसका को खोलेंगे कि इंजन में कोई ब्लो वगैरह चेक करेंगे, तो इस इंजन में कोई भी ब्लो वगैरह नहीं है। मैं आपको यहाँ से खोलकर दिखा देता हूँ। देखिए, इंजन में से यहाँ से कोई भी ब्लो वगैरह नहीं है। इंजन बिल्कुल फाइन तरीके से काम कर रहा है, और इसका कोई भी काम आज तक इंजन का कोई ऐसा मेजर वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ रेगुलर सर्विस पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। ये हमने लगाया फर्स्ट गियर, और अभी गाड़ी को रोड पर लेकर चलते हैं। काफ़ी अच्छा पिकअप, काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। 2000 RPM के बाद गाड़ी का टर्बो ऑन होता है, उसके बाद गाड़ी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। हाँ, जो थोड़ा लो एंड पे इसका टर्बो लैग है, वो काफ़ी गाड़ी को परेशान करता है। जब शुरू में गाड़ी उठती है तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन 2000 RPM के बाद गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह निकलती है। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, गाड़ी की गियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसके दो बार गाड़ी के फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड गियर के सिंक्रोनाइजर चेंज हो चुके हैं। लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद इसके सिंक्रोनाइजर में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद उन्हें चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा अभी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, गाड़ी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। रोड के साथ प्रेजेंस भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। आपको रोड पर चलते हुए ऐसा महसूस नहीं होता है कि गाड़ी का रोड से कनेक्ट कट ऑफ हो रहा है। लेन वगैरह चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेडान होने की वजह से कुछ तो गाड़ी का कंट्रोल वैसे ही अच्छा है, और कुछ गाड़ी के बेड की ओर से और गाड़ी के कंट्रोल की ओर से गाड़ी काफ़ी अच्छी। और दोस्तों, गाड़ी के सीट कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी के बैठने का आपका जो ये जो फ्रंट सीट्स है, बैठने के लिए काफ़ी अच्छी है। इस पर आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं बैठकर। लेकिन जो पीछे की सीट्स हैं उन इस जनरेशन में, उसमें बैठने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो उसका अंडर थाई सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, और सीट भी पीछे की ओर से सीधी खड़ी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको पीछे बैठने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें फ्रंट सीट की, तो गाड़ी की फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छी हैं और आप बड़ा ही रिलैक्स होकर बैठते हैं। और इसके अलावा गाड़ी के में छोटी छोटी कमियों की बात करें, तो गाड़ी में हाई स्पीड पर जाते हुए अगर आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो गाड़ी की ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी ख़राब है। अगर आपके पास ABS वाला मॉडल है तो अच्छा है, लेकिन जो इसके नॉर्मल ब्रेक हैं, वो ब्रेक की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, और आपको ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी में काफ़ी लो कॉन्फिडेंस महसूस होता है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं जब भी आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं। ये इसमें एक बड़ी कमी है इस गाड़ी में। और डिज़ायर में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये पीछे से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर आप स्विफ्ट चला रहे हैं और स्विफ्ट में आप ब्रेक लगाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना 90 के ऊपर लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्विफ्ट में मैंने ये एक अच्छी तरह से ज़्यादातर यही प्रॉब्लम नोट की है कि उसमें आपको ब्रेक करना गाड़ी को काफ़ी ही मुश्किल रहता है। और गाड़ी की एवरेज की बात करें, तो गाड़ी आपको ये नॉर्मल हाईवे पर अगर आप 80-90 पे चलाते हैं उसको, तो ये आपको 20 से लेकर 22 का एवरेज आसानी से निकाल देती है। और सिटी में इसका एवरेज काफ़ी कम है, ये 13-14 किलोमीटर का ही निकाल पाती है सिटी में तो। लेकिन हाईवे पे AC के साथ अगर आप इसको 80 से लेकर 90 की स्पीड पे चलाते हैं,
तो ये आपको आसानी से 20 से लेकर 22 किलोमीटर का एवरेज निकाल देती है आसानी से, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन इंजन था और इसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी। और इससे पहले जो डीजल गाड़ियाँ आती थी टाटा वगैरह की, उसकी एवरेज इतनी नहीं थी। इसलिए जब मारुति ने इस कार को लॉन्च किया था, ये 2005 में आई थी स्विफ्ट पेट्रोल, लेकिन जो डीजल था वो स्विफ्ट 2007 में आई थी, और स्विफ्ट डिजायर डीजल थी तो 2008 में लॉन्च किया गया था उसको। उस टाइम पे ये एक बहुत ही मारुति का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, इससे पहले कोई इतनी अच्छी रिफाइंड इंजन वाला प्रोडक्ट नहीं आता था। जो टाटा के प्रोडक्ट आते थे उनके इंजन में, जो जब बाद में आप 1 लाख से ज़्यादा चल जाते थे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इसमें क्या था कि स्विफ्ट में इतना ज़्यादा चलने के बाद भी, जैसे अभी ये 180,000 किलोमीटर चल चुकी है और 8 साल हो चुके हैं गाड़ी को, लेकिन अभी भी अगर आप उसको चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको। और मुझे एक चीज़ जो इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगती है वो इसका सड़क के साथ रोड के साथ चिपके चलना है। रोड के साथ इस गाड़ी का कंट्रोल इतना अच्छा है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अगर आप सेकंड या थर्ड जनरेशन स्विफ्ट चलाते हैं, स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं, तो आपको ये गाड़ी उनसे कई दर्जे बेहतर लगेगी। ये बहुत अच्छे तरह से एक तरह से स्टेबल होकर चलती है रोड पे। आप इसको 100, 110, 120 कितने भी और भी चला के, लेकिन रोड के साथ इतना स्टेबल होकर चलती है कि जो नई जनरेशन है, मेरे को उसको चलाते वक्त उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना इस कार को चलाते वक्त आता है, क्योंकि रोड के साथ ये कार बहुत ही स्टेबल होकर चलती है। और दोस्तों बात कर ले कार की, ये सभी यहाँ इस जगह की प्लास्टिक क्वालिटी की, तो कार की ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी हल्के किस्म की आती थी, तभी मारुति वालों का ये इस सेगमेंट में सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट था। तो ये जो क्वालिटी थी कोई कार की इतनी अच्छी नहीं है, ये प्लास्टिक क्वालिटी है, काफ़ी जगह से इसकी प्लास्टिक ख़राब हो चुकी है और जगह जगह से इसमें काफ़ी स्क्रैचेज आके अभी इन सभी पार्ट्स में से आवाज़ आती है इसके, गाड़ी के ये जो सभी पार्ट्स हैं यहाँ से, ये मीटर वगैरह में है, यहाँ सभी पार्ट्स से आवाज़ आती है। और जो स्टीयरिंग वगैरह है ये देखिए, कुछ तो टाइम के साथ भी गाड़ी की क्वालिटी में फ़र्क तो पड़ ही जाता है, लेकिन ये देखिए जो सभी जगह से ये सभी पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं कार के, इसीलिए अभी इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी पुअर है। तो दोस्तों ये था एक स्विफ्ट डिजायर का रिव्यू फर्स्ट जनरेशन का, कि हमने इसमें हमने देखा कि गाड़ी 8-9 साल चलने के बाद और 2 लाख के करीब किलोमीटर चलने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।